विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में कोडरमा विधानसभा के लिए 12 दिसंबर को मतदान होना है और 16 नवंबर से नामांकन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं अनुमंडल कार्यालय में नामांकन को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 25 नवंबर तक नामांकन का काम जारी रहेगा, जबकि 26 नवंबर को स्क्रूटनी होगी और इसके बाद 27 और 28 नवंबर को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें कि 28 नवंबर को शाम 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि नामांकन को लेकर सभी इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में पूर्व में निर्देश प्राप्त था कि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा देनी है, लेकिन रिसेंटली जो डायरेक्शंस कमीशन की तरफ से प्राप्त हुए उसके अनुसार पूर्व की भांति जो सुविधाएं उन लोगों को हम लोग देते थे वो सुविधाएं हम लोग इस बार भी देंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट के माध्यम से नहीं होगा। वो अपने नज़दीकी जो मतदान केंद्र है वहाँ जाके वो वोट डालेंगे और ऐसे सभी लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए सारी, चाहे जैसे PWD वोटर्स को उनके घर से लेके मतदान केंद्र तक लाने की बात हो या फिर मतदान केंद्र में उनको व्हीलचेयर प्रॉपर स्लोपिंग के साथ रैंप तैयार रखने की बात हो, उनको प्रायोरिटी से वोटिंग कराने की बात हो, ये सारी चीज़ें हम लोग एज पर डायरेक्शन यहाँ पे संपन्न कराएंगे। बता दें कि कोडरमा में 3,36,905 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं और मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वहीं इस बार तकरीबन 10,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा चुके हैं। इस बार दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।